अध्याय चार, पहिए का आविष्कार। केवल पढ़ने के लिए, लगभग 5,500 वर्ष पूर्व मनुष्य ने देखा कि गोल चीज तेजी से लुढ़कती है। उसने गोल पत्थर को लुढ़कते देखा, उसने गोल लकड़ी के लट्ठे को लुढ़कते देखा, फिर उसने लकड़ी के लट्ठे को पहिए के आकार में काटा और लुढ़का कर देखा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो पहिए नुमा लकड़ी थोड़े से धक्के से काफी दूर चली गई। अब उसने एक पहिए की गाड़ी बनाई और उस पर सामान लादा। उसे पहले की अपेक्षा आराम लगा, पर उसे लगा कि इस पर ज्यादा सामान नहीं लादा जा सकता। अब दो पहियों वाली गाड़ी तैयार की गई। इस पर ज्यादा वजन लादा जा सकता था। पहले उसने इसे खुद खींचा। आज भी इस प्रकार के ठेले का प्रयोग छोटे व पुराने शहरों की तंग गलियों में किया जाता है। धीरे धीरे इन पहियों की धुरी में सुधार किया गया। इनमें अब जानवरों को जोता जाने लगा और मनुष्य अब आराम से ऊपर बैठने लगा। बैल, भैंसा, घोड़ा आदि इन गाड़ियों को खींचने लगे। ये विश्व का पहला वाहन था। राजा, महाराजा सुंदर गाड़ियां बनवाने लगे। आम आदमी सामान्य बैलगाड़ी में चलता था और जरूरत का सामान ढोता था। धीरे धीरे बैलगाड़ी में और सुधार होता गया और 40 स्वस्थ व्यक्ति मिलकर जितना सामान ढो सकते हैं उतना एक बैलगाड़ी ढोने लगी।